नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन। स्वागत करती हूँ आप सबका परचम क्लासेस में। हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज की सीरीज को आज फिर से कंटिन्यू रखेंगे। पिछली बार हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करी थी और आज हम लोग बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में, या जिसे ओजोन होल भी कहा जाता है। ठीक है, आज हम वो बात करेंगे। ओके, पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कार में बैठा हुआ इंसान, वो जो इफेक्ट महसूस कर रहा है वो कौन सा इफेक्ट है। सो उसका सही जवाब था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, रेडिएशंस अंदर तो आ रही हैं लेकिन जो ग्लास पैनल है वो उसको सारी रेडिएशंस को बाहर जाने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से जो कार है वो हीटअप हो गई है, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। आज वापस से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर, जब मैंने आपको एटमॉस्फेयर की क्लास डील करी थी, इन्वायरमेंटल स्टडीज का आई थिंक फर्स्ट हमारा वीडियो था जब हमने इसको डील किया था, तब हमने आपको एटमॉस्फेयर में बताया था कि कितनी सारी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर। सो इन्हीं लेयर्स के बीच में मेजरली स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है हमारी ओजोन लेयर। ठीक है, हमारी ओजोन लेयर कहाँ लाई करती है? स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर लाई करती है। ओके, ये आपको पिक्चर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले अर्थ आ रहा है, उसके एटमॉस्फेयर, फिर 0 से 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, और फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, और उसी में हमारी आ रही है ओजोन लेयर। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ये मैंने जस्ट एक छोटी सी चीज बता दी आपको इसके बारे में। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूरज से, सन से यूवी रेडिएशंस आती हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? 200 से 400 नैनोमीटर्स होती है। अभी जो जैसे हमारी जो सन से आ रही है यूवी रेडिएशंस, हमारी ओजोन लेयर क्या कर रही है? उसको एब्जॉर्ब कर रही है। अब जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें देखिए आप यूवी सी, जो यूवी सी है हमारी, इस वेवलेंथ की जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो सबसे ज्यादा लीथल है, मतलब सबसे ज्यादा हानिकारक है। और आप देखिए वो ओजोन लेयर पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हमारे सन अर्थ तक नहीं आने देता है। वैसे ही यूवी बी और यूवी ए, ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी आने दे रहा है हमारे अर्थ के ऊपर, बाकी जितनी भी है ओजोन लेयर हमारी एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो सन की रेडिएशंस हैं उसमें से 9% होती है यूवी रेडिएशंस। ठीक है, और अगर स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर रही है तो हम उसे ओजोन शील्ड कहते हैं। शील्ड कहते हैं, ये देखिए हमने अपने आगे जब लोग लड़ते भी थे तो कैसे शील्ड अपने आगे रख लिया करते थे ताकि उन तक कोई नुकसान ना आए, तो वैसे ही ओजोन हमारी एटमॉस्फेयर की शील्ड है, ओजोन शील्ड है, ताकि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो हम तक ना पहुंच पाए। ठीक है, चलिए अभी ये सब तो हमने बात कर ली, अभी ओजोन क्या है? ठीक है, ओजोन एक्चुअली आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ओजोन एक एटम है, एक कंपाउंड है गैस का बना हुआ। ठीक है, मॉलिक्यूल है इनफैक्ट ये, जो ओजोन के एटम से मिलकर बनता है। O2+O=O3, और इसे ही हम कहते हैं ओजोन का मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ब्लूइश कलर की गैस होती है हमारी, और 90% जो है गैस है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, इसीलिए इसको ओजोन लेयर भी कहते हैं। तो ठीक है, चलिए अभी देखिए क्या हो रहा है। ये हमारा O2 मॉलिक्यूल है। जब सन की किरणें, सूरज की किरणें आ रही हैं इस पे, तो ये हमारी क्या करता है, इसमें रिएक्शंस हो जाते हैं और ये O2 और O कंबाइन करके O3 बना लेता है। ठीक है, O3 बना रहा है, सो O3 बन के हमारी ओजोन लेयर बन गई है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ये O3 वापस से ब्रेकअप हो जाता है और ये ऑक्सीजन और O एटम फिर से बना देता है। सो ये हमारी ओजोन साइकिल है जो मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ओजोन डिप्लीशन एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, समझ में आ गया? अभी देखिए क्या हो रहा है, द वेयरिंग आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब जब हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का अमाउंट, ओजोन जो गैस है हमारी उसका अमाउंट कम हो रहा है, उसकी मात्रा कम हो रही है, उसे हम कह रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, मतलब जैसे आप समझिए कि इतनी मोटी हमारी परत है ओजोन की, लेकिन जैसे जैसे कहीं पर अगर वो कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है परत, ठीक है, तो क्या हो गया, वो ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है।
काफी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं दोस्तों, जो हमारी एक्टिविटीज है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जैसे कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसके कारण हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें हार्मफुल केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स जाते हैं और इस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं, पतला कर देते हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आते हैं? ये एसी में से आते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में से आते हैं, ठीक है, सोप्स, कूलिंग थिंग्स, यही एसी रेफ्रिजरेटर्स जो हमारे सॉल्वेंट्स हुए, ठीक है। और ये सारे क्या रिलीज करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन के ये सीएफसीज हैं, ठीक है, कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। और ये जब हमारी ओजोन के अंदर आते हैं, ये रिएक्ट करते हैं और हमारी ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ठीक है, ओजोन को पतला कर देते हैं। कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। इसीलिए इनको सीएफसीज को बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, याद रखिएगा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी है, आप जरूर जाइए चेक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह हमारे क्वेश्चंस हमने दिए हैं, आप रोज अपने आप को अपडेट रख सकते हैं इसी क्वेश्चन से। ओके, देखिए ये मैंने आपको बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये देखिए सीएफसीज, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3, जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? एक क्लोरीन का एटम अलग हो गया इससे, ठीक है, और ये हमारा O3 जो ओजोन का ये मॉलिक्यूल है इससे रिएक्ट करा इसने, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसने इसके साथ में रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ में, तो OCl अलग बन गया और ये हमारी ओजोन लेयर ब्रेक हो गई, O3 ब्रेक हो गई। हमारा क्या हो गया? हमारे पास में ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए CLO+Cl, ठीक है, ये क्या किया? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये इधर हो गया। अब इससे क्या हुआ? हमारा ओजोन लेयर क्या हुई? डिप्लीट हो रही, क्योंकि ओजोन के एटम्स कट होते जा रहे हैं ना, CFCs के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ये, तो क्या हो रहा है? हमारा कम होते जा रहे हैं ओजोन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे डिप्लीशन हुआ सीएफसी से? ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझ लेंगे आप लोग, आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन समझने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया, सीएफसी के मॉलिक्यूल्स, इसने ओजोन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया, ओजोन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, O3 कम हो गया, ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो गई, कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है। समझ आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसा मैंने कहा था आपको पहले भी कि कहाँ कहाँ से मैनमेड केमिकल्स से आते हैं, सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेंट्स है, फायर सप्रेंट्स है, ये सारी चीजें, ठीक है, कुछ कुछ डेलिबरेटली इंसान रिलीज कर रहा है और कुछ ना चाहते हुए भी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो जरूरी हैं उसके कारण भी ये रिलीज हो रहे हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी हम एटमॉस्फेयर में ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो 1970 से दो इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑब्जर्व करे जा रहे थे, ठीक है, एक तो करीब 4% कम हो गया हमारी ओजोन की लेयर में पूरे अर्थ एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, एक ये। दूसरा, पोल्स पे अगर हम देखें, पोलर रीजन्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर हम वहां देखें तो स्प्रिंग टाइम में ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर और ज्यादा कम हो रही है, जिसे ओजोन होल भी ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक, तो ये क्यों हो रहा है? अब इसको आप समझिए, एरिया ऑफ ओजोन थिनिंग अकर ओवर हाई एल्टीट्यूड एरियाज, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है जैसे पोल्स है वहां पर जो है ओजोन थिनिंग हो रही है, ओजोन कम होता जा रहा है, प्रिंसिपली इन स्प्रिंग एंड समर, स्प्रिंग और समर में कम होता जा रहा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कहाँ पर होता है? पोलर रीजन्स में, जैसा मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि वहां पर जो हवाएं होती है ना दोस्तों, बहुत ठंडी होती है, आप मान के चलिए, और कितने कितने टाइम तक सूरज भी नहीं निकलता, ये चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आगे की 3 स्लाइड्स जो आएंगी उसका मैं क्रक्स आप लोग को समझा रही हूँ। पोल पे क्या होता है? विंटर्स बहुत लंबे हो रहे हैं सपोज मानिए आप, है ना, फिर सनलाइट नहीं आ रही है तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन जाते हैं वहां पर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एटम्स आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो उनको ट्रैप करके रख लेते हैं कुछ टाइम तक, ठीक है, क्लाउड्स बने, ज्यादा क्लाउड्स बनते हैं क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, उनकी जो करंट्स होती है, एयर करंट्स होती है, वो ऐसी कंडीशंस पैदा कर देती हैं कि क्लाउड्स भी ज्यादा बन रहे हैं और वो उसको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है क्लोरीन के ये सीएफसीज के मॉलिक्यूल को, तो काफी टाइम तक, वो महीनों तक उन सीएफसीज के मॉलिक्यूल को ऐसे ही अपने पास में कैप्चर करके रख रहा है। अब कुछ महीनों बाद जब सूरज आता है, ठीक है,
तो क्या होता है, धीरे धीरे वार्म होता जाता है वहां का एटमोसफेयर, क्लाउड्स कम होते जाते हैं, और ये जो हमारे इन्होंने ट्रैप किए हैं सीएफसी, इसको ट्रैप करके रखा है, वो रिएक्ट कर रहे हैं अब हमारे अल्ट्रा वायलेट के साथ में, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट के साथ में, और एकदम से जो है हमारी ओजोन की लेयर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स ट्रैप किए हुए थे वो सारे के सारे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो एकदम से क्या हो गया, हमारी ओजोन की लेयर फॉर द टाइम बीइंग कम हो गई, पतली हो गई। तो इसीलिए जो सितंबर अक्टूबर का टाइम है वहां पर ज्यादा ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑब्जर्व किया जाता है, ओजोन होल जो से कहते हैं हम, वो ज्यादा होता है वहां पर, समझ में आ गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चीजें बैक टू नॉर्मल आ रही है, ये जो सारी चीजें हैं ये हो गया, फिर ये जो हमारे हैं सी एफ सीज, ये जो मॉलिक्यूल्स OCl वगैरह, ये वापस से सनलाइट के साथ में हमारे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो ब्रेक कर रहे हैं, O2 वापस से O के साथ कंबाइन होके O3 बन रहा है, तो वापस से ये जो लेयर है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाती है। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में, अर्ली अक्टूबर में सबसे ज्यादा डिप्लीशन होता है, तो जो सबसे मेजर होल होता है ओजोन होल एंटार्क्टिका में, हम तभी ऑब्जर्व करते हैं। समझ आ गया? ये देखिए मैंने आगे के आपको सारा कुछ बता दिया है, आपको इन आगे की तीन स्लाइड्स का, ये देखिए ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये ही ओजोन होल है, ठीक है। ओजोन होल क्या होता है कि छेद हो गया हमारे, जैसे सपोज कोई कपड़ा है हमारे पास में, ठीक है, उसमें छेद हो जाना, मतलब उस जगह से ओजोन का डिप्लीशन काफी ज्यादा हो जाना। समझ आ गया? ये इस पिक्चर में यही है। ये आप लोग जनरली सोच रहे होंगे कि क्यों होता है भाई, साउथ पोल में इतना क्यों होता है, नॉर्थ पोल में इतना क्यों नहीं होता है, तो नॉर्थ पोल में इतना इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितनी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं हमारी साउथ पोल में, ठीक है, करंट्स हैं, बहुत ज्यादा ठंड है, और लैंड मासेस हैं आसपास के, सी है आसपास की, वो सारी कंडीशंस स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्रिएट करने में वहां ज्यादा मदद करती है, और इसीलिए वहां पर जो है सी एफ सीज के मॉलिक्यूल ज्यादा ट्रैप होते हैं और फिर डिप्लीट होना शुरू हो जाती है हमारी ज्यादा। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 1998 में कैसा था और 2015 तक कैसा हो गया हमारा ओजोन का होल, देखिए कम था और ये ज्यादा है इसमें, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने कहा ये ज्यादातर ऑब्जर्व होता है साउथ पोल में एंटार्क्टिका पे, लेकिन आर्टिक सर्कल में भी ये ऑब्जर्व किया गया है थोड़ा, एक बार 2011 में ऑब्जर्व हुआ था और एक बार अभी पिछले साल ही ऑब्जर्व हुआ है मार्च में, जो कि क्लोज हो गया था अप्रैल में वो होल, लेकिन ऑब्जर्व उधर भी हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मार्च 26, 2020 में आर्टिक पे भी ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन ये थैंकफुली क्लोज हो गया है, तो नथिंग टू वरी। ओके, आर्टिक सर्कल के हिसाब से मैं अगर आप लोग को बताऊं तो, ठीक है। अभी हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ओजोन होल हुआ है भाई, हमारी जो छलनी है वो पतली हुई है, परत पतली हुई है, ठीक है, तो क्या है, अब परत पतली हुई है तो जो यूवी रेडिएशंस है वहां से वो डायरेक्ट हम तक आ रहे हैं, लीथल वाले भी आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो काफी नुकसानदायक है, जिसको ओजोन लेयर पूरा कवर कर लेती है, वो भी हम तक पहुंच रहे हैं, तो कुछ तो नुकसान हुआ होगा ना हमारा। क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो स्किन कैंसर हो सकता है अपने को, ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल रेडिएशंस बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है स्किन के लिए, हमारे टिश्यूज के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सो ओवरऑल बहुत ज्यादा ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, ठीक है, सो हमारी प्लांट ग्रोथ को भी इफेक्ट करेगा, पर्टिकुलरली राइस के क्रॉप्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ये, और ये फाइटोप्लांक्टन जो है उसकी ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके, सो ये सब मैंने आपको छोटे से में बता रखा है कि क्या क्या इफेक्ट करेगा ह्यूमन हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, या मटेरियल्स को, वुड, प्लास्टिक, रबर, ये भी इफेक्ट होते हैं हमारे ओजोन लेयर से, ठीक है, क्योंकि यूवी रेडिएशन ओजोन लेयर नहीं है उससे, क्योंकि यूवी रेडिएशन आ रही है तो काफी ज्यादा इस पे भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है। डोंट वरी, ये मैंने जल्दी चला दी है, लेकिन जब आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं वापस से आप लोग के लिए चला देती हूँ ये एक बार, अदरवाइज PDF हमारी वेबसाइट पे इसकी अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग जाइए वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली अपने नोट्स इसको अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हमें अच्छे से पता है कि जितने भी ऐसे केमिकल रिलीजिंग सब्सटेंसेस हैं उसको हम कम यूज करें, पेस्टिसाइड को कम यूज करें, क्योंकि उससे क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, वो भी हमारे इसके साथ में O3 के साथ या CFCl के साथ में रिएक्ट करके हार्मफुल रेडिएशंस को आने देते हैं हम तक। देन जैसे मैंने कहा बैनिंग द यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ऑब्वियसली, ठीक है,
ये सारी चीजें हैं कैसे हम कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट, ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। ये तो हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, बाकी इंटरनेशनली क्या हुआ था, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में साइन, वो सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट माना जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम करने में, और उसी में बैन आया था सीएफसीज को यूज करने के लिए। काफी सारी कंट्रीज जो उसकी मेंबर थी उन्होंने अग्री किया था कि हम सीएफसीज के प्रोडक्शन को, जो सीएफसीज बना रही हैं ऐसे कंपाउंड्स को भी हम कम कर देंगे, और हम कोशिश करेंगे हाइड्रोफ्लूरोकार्बन्स बनाएं, ठीक है, क्लोरोफ्लूरोकार्बन्स नहीं, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन्स, ताकि क्लोरीन ज्यादा से ज्यादा रिलीज ना हो। ऑन सितंबर 21, 2011 द यूनाइटेड नेशन हेल्ड अ मॉन्ट्रियल समिट एट विच 200 कंट्रीज अग्रीड टू एलिमिनेट हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बाय 2020, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टारगेट दिया है 2030, ठीक है, 30 का टारगेट इसको दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, मतलब सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कम यूज करें, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स मतलब उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं फॉर द टाइम बी। ओके, चलिए कंक्लूजन, यही कंक्लूजन है कि हमें हमारी ओजोन लेयर को बचाना है ताकि यूवी रेडिएशन हार्मफुल ना आ पाए, और हम काफी सारी डेंजरस चीजों से बचे रहे, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आप लोगों के लिए सवाल, कमेंट सेक्शन में मुझे इंतजार रहेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में काफी कम लोगों ने मुझे उस पिक्चर का जवाब दिया था, लेकिन उम्मीद करती हूँ इसका जवाब आप काफी से काफी ज्यादा लोगों को देंगे, क्योंकि आप लोग को ये बहुत इजिली आता होगा। सो क्वेश्चन है, व्हेन इज ओजोन डे, ओजोन डे कब मनाया जाता है, ठीक है, इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का और आपके आंसर्स का। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।